देखिए देखो यार फोटो खिंचा रहा है बुआ चुंदर चुंदर चुंदर। ये तो नया ड्रेस रो नहीं रहा देखिए ये बात है नहीं तो ऐसे रोने लगता था ये नया ड्रेस देखा है कि आज आंटी जी दिए हैं दादी माँ भागो समझता है दादी माँ कितना प्यारा दिख रहा है एक दिन नहीं आया तू मेरे पास सर के पास से लेते हैं जानो बड़ा कठिन तो उसका देखिए लो देखो बहुत सुंदर है बहुत बहुत सुंदर लग रहा है एकदम सबसे अच्छे लग रहे हैं यहाँ जितने लोग हैं सबसे खराब लग रहे हैं सबसे अच्छा एकदम छी छी एकदम गंदा सब नजर लगा देगा एकदम छी छी एकदम खराब पोता मेरा आंटी जी के देख कोई पोता खराब लग रहा है उस दिन नहीं आया जो दादी स्वेटर नहीं बना दी इसीलिए नहीं बाप रे चिपक रहा था उनसे खींच रहा था भाग रहा था सर दादू क्या आवाज सुनिएगा जही जरा जाएगा पजामा भी बुन देंगे पापा मांगेंगे पर तो नहीं देना नहीं देना पापा दोनों हाथ का दस्ताना तो हो ही जाएगा काट देंगे उसको तो देख रहा है यहाँ पर बटन डाल देंगे जो उसे निकाल के सुसु भी कर लेना नहीं होगा दादी दादी कभी भी पापा मांगेंगे रेंट पर भी तो मत देना जाना नहीं मेरा कपड़ा रेंट पर नहीं जाएगा नहीं देना क्रिसमस ये देखिए यहाँ पे अभी बुआ के दादी माँ चाय पीते हुए और ये किस तरीके का रिएक्शन दे रहा है हम लोग को बड़ा अच्छा लगा तो अभी शाम के समय ये देखिए इसकी बदमाशियां चालू है यहाँ पे इसको भी चाय चाहिए अभी ए अभी मत पियो चाय जी तुम ओए ए चाय पिएगा ही चाय पी लो तुम पिए लो आज तुम चाय टेस्ट कर लो थोड़ा आ पियो तो मम्मी आ पियो था ये देखिए देखिए कैसे देख रहा है ये देखिए इस बदमाशवा को ये शाम को भी हम सब लोगों को बहुत भूख लग रही थी आज सुबह सुबह हम लोगों ने सोचा खिचड़ी खाते हैं आज शनिवार था तो हमारे यहाँ खिचड़ी बना था तो इसी चक्कर में खिचड़ी तो ज्यादा देर चलता नहीं है भाई मेरे को तो भूख लग रही है बहुत कस के तो थोड़ा सा तो हुआ है अभी हल्का फुल्का नाश्ता होता है बिस्किट बट हम लोगों ने सोचा कि फिर थोड़ा नाश्ता अच्छा खासा आज किया जाए सैटरडे भी है तो मूड थोड़ा सा फ्री है वर्कलोड कम है तो हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा सैंडविच बनाया जाए स्पेशल चीज भी था घर में पिछले लाया हुआ तो हम लोगों ने ये देखिए यहाँ पे इतना सारा अभी जो भी वेजिटेबल्स है वो सारा कुछ कट कर लिया है टमाटर है शिमला है पनीर है फिर उसके बाद थोड़ा सा ऑनियन है धनिया है मिर्ची है तो अब सैंडविच स्पेशलिस्ट आ गए हैं अभी जो भी है सबको यहाँ पे भर उड़ देंगे अच्छा यहाँ पे देखिए खीरा वीरा भी है जो हमने आपको अभी नहीं दिखाया खीरा भी है और ये चीज के स्लाइसेस भी हैं तो ये सारा कुछ भर के अब हम चल रहे हैं थोड़ा गैस वैस ऑन करने आप भर के हमको दीजिएगा और रोहन बाबू यहाँ पे मेयोनीज निकाल रहे हैं निकाल लीजिए उसी में बहुत ज्यादा लगता है प्याज लग रहा है हो नया नया प्याज अभी आया नहीं है मार्केट में और ये पुराने वाले जो हैं सो इनका जन्मदिन आ रहा है सो मम्मी कहती है हमारी तो ये एक्चुअली बहुत काटना पड़ेगा हाँ हेलमेट लगा के आप लगाइए लेते नहीं ठीक है ठीक है ठीक है आप लहसुन लहसुन काटिए तो अब फिलहाल हम लोग चिली पनीर ड्राई वाला जो है एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने की कोशिश कर रहे हैं देखिए माता जी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं ठीक है हम प्लेटर बनाते हैं ये देखिए चिली पनीर की तैयारी में सब लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं शिवानी रोहन और मम्मी एकदम गाइडलाइन में सब गाइडेंस कर रहे हैं यहाँ के एक और बोलो सीताराम लागे अमृत समान है बढ़िया बढ़िया है बैठिए ना आप रोहन बाबू एकदम लहसुन वसुन सब छील दिए हैं पनीर कट कर दिया सारा प्रिपरेशन जो है रॉ मटेरियल का
वो सारा चीज एकदम खरिया दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग आएंगे गेम में। पनीर चिली ड्राई आज बनाए हैं, पापा जी का बड़ा मन था, बहुत दिन से कर रहे थे, कुछ बनाओ, ठंडा आ गया है, कुछ गर्मा गर्म हो, हम कहा चलिए ठीक है आज हैप्पी बर्थडे का ईव है। अब ई बात हम कैसे कहेंगे, हम कह दिए ना। हाँ तब आप डिक्लेयर कर दिए, तब कैसे फिर हम क्या हम सीक्रेट रखे बताइए। आज हैप्पी बर्थडे के ही पे स्पेशल बनाया जा रहा है, पनीर वाला जो भी है, सैंडविच बनाए गए हैं। वो तो सैंडविच खा लिए, कल होगा कल देखेंगे। ये ठीक 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 ठाक कर चेहरा पे। माता जी ने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो बना दिया है, इसमें थोड़ा हम लोगों ने जीरा भी डाला था, क्योंकि जीरा डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, तो हमने यहाँ पे उसको प्रॉपरली ग्राइंड कर लिया। अब इसको पनीर में हम लोग मिलाएंगे। थोड़ा नमक नहीं डाले है, थोड़ा ही डालिए, बस 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 हो गया ठीक है। इसमें अदरक लहसुन जीरा का मरीच का पेस्ट मिला हुआ है, मैरिनेट हो रहा है वो थोड़ी देर, दही नहीं, दही से वो गीला हो जाएगा। इसमें दही डाल के मिलाएंगे इसको। अभी हाफ फ्राई ही हुआ है। शिवानी जी यहाँ पे फाइनल टच देते हुए, वाओ दिखाई तो हो, उफ क्या मतलब कलर निखर के आया है यार पनीर का, सीरियसली वीडियो में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है।
वीडियो में नहीं दिख रहा है लेकिन एक्चुअली बहुत सही है, मतलब ये तो लग रहा है जैसे रेस्टोरेंट वाला। हम लोगों ने शिमला मिर्च भी थोड़ा ज्यादा यूज किया है, बहुत फ्लफी है, मस्त है। ठीक है, ढक दीजिए ढक दीजिए, थोड़ा गर्म रहेगा, ये हटा के रखना। बन गया हो इतना देर से आप लोग, क्या कर रहे हैं? सही बनाए हैं लेकिन पनीर यहाँ पनीर हमारा बच ही गया है, थोड़ा ज्यादा लगता है फ्राई हो गया था। एक लाइए खा लेते हैं, दीजिए। क्रंची तो बना है कॉर्न फ्लोर की हेल्प से, बहुत मस्त बना हुआ है। चाहिए मम्मी लोग को करते हैं, खाना रेडी हो गया अब आने के लिए। चलिए ना, हो गया, बन गया चिकन चिल्ली। तुम क्या कर रहा है? अरे बाप रे बाप, तो दुद्दू को तकिया पर सुला रहा है। वाह रे सेठ जी, सही है सही है। देखो तुम टीवी देखो, ऐसा ही यहाँ पे बैठ के मैच सब देखते रहो। चलो रोहन, चलो मैं पापा जी कहाँ चलते अच्छा ठीक ठीक चलो ना, हमें सगुर साथ में खा लेना। चलो चलो चलो, हम बोल दिए हैं तो आ रहे हैं। लगे तो अच्छा अच्छा है, मस्त है। चलिए क्या नजारा है, खा के देखते तो कमाल ठीक है, टेस्ट कमाल। वाह चलो तब पास हो गए बाबू जी, कमाल। पनीर चिल्ली आज यहाँ पे पापा जी को खिलाया, हम लोग बहुत दिन से कह रहे थे, वेटिंग में चल रहा था एक्चुअली ये डिश। वाह ठीक है, मोटा आते चलो तब खाओ। वहाँ चलिए तो हम लोग भी थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। आइए रोहन बाबू, आइए पानी ले लीजिए, थोड़ा बैठ गया सिया वानी। आइए आइए, देखिए सिया जी भी रोटी वोटी ले आए हैं और हम लोग यहाँ पे खाना जो है लगा दिए हैं। वाह थोड़ा चटनी, हाँ दादी मखा रहे हैं, बउआ का देखिए ललचा रहे हैं, बउआ ललचा रहा है हमारा। थोड़ा बड़ा होगा तो किसी को खाने नहीं देगा, सब यही पर दौड़ता है।